बिहार में तीसरे मोर्चे की सरकार की मांग अब उठने लगी है। बिहार की जनता एक ही सरकार से अब उब चुकी है, उन्हें अब दूसरा विकल्प चाहिए। जाप के नेता है राजू दानवीर, उन्होंने भी खुलकर इस बारे में अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। बिहार में जिस तरह से लगातार थर्ड फ्रंट की मांग हो रही थी, और ये जितने भी बिहार में पार्टी है, शीर्ष पार्टी चाहे JDU हो, RJD हो, चाहे BJP हो, ये कभी नहीं चाहते कि थर्ड फ्रंट पनपे। क्योंकि जिस तरह से बिहार में मदद का दौर चालू था, आदरणीय पप्पू यादव जी का जिस तरह से कार्य था, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, नतीजा जेल में है। LJP का हाल देख लीजिए, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भी यही स्थिति रही, उनकी लगातार पार्टी तोड़ी जा रही थी, अंत में वो JDU में नतमस्तक हो गए। तो बिहार में जनता की मांग है थर्ड फ्रंट की, अब उब चुकी है, 30 साल 40 साल सब शासन देख चुकी है, अब उब चुकी है। अब बिहार में थर्ड फ्रंट की मांग है, एक अच्छे नेता आए और उसका नेतृत्व करे और वो बिहार को आगे बढ़ाए। तो आपने सुना राजू दानवीर को, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार की जनता अब एक ही सरकार से उब गई है। बिहार में जो शीर्ष पार्टियां हैं, जो BJP जो JDU पार्टियां हैं, वो कभी नहीं चाहती कि बिहार में अब कोई तीसरा विकल्प आए। आपको बता दें कि राजू दानवीर ने कहा है कि जब पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे, जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, तो उन्हें जेल में भेज दिया गया। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी को छोड़कर JDU में शामिल हो गए, वो भी JDU में नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। और अब लोजपा पार्टी में जो कलह चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो कभी नहीं चाहती कि बिहार में कोई तीसरा विकल्प आए, लेकिन जो जनता है वो एक ही तरह की सरकार से अब उब चुकी है। वो अब बिहार में विकास की मांग कर रही है। विकास की मांग को लेकर बिहार में अब थर्ड फ्रंट की मांग बड़ी ही तेजी से उठने लगी है। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, इसीलिए आप जुड़े रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।